देखो देखी मम्मी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो तो हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई डिज्नीलैंड मेला में और यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इन्जॉय करने वाला है। और मैं मम्मी को दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ क्या सब है, कौन कौन सा झूला है। और मम्मी ये देख कर के बड़ा खुश है क्योंकि मम्मी को झूला झूलना बहुत पसंद है। और इस बार जो है आपको इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम लोग कौन कौन सा झूला इंजॉय करते हैं और क्या सब करते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट राइड पर चलते हैं। मम्मी गुड़िया का अधिकारी, अरे वो पकड़ ना, डंडा पकड़, डंडा। मम्मी ले गए वो, भाई साहब रुक जाइए, बोल दिए दीदी रुक रुक रुक। मम्मी सनक लोग देखै छिए नहीं, अखन तक ठीक छे, स्पीड जे गो करने त हमरा प्रॉब्लम भ जाय। लेकिन वो जोर से चलवा लगते है ना, तहन हमरा उल्टी हुए लागल। ये नहीं झूलेगी, इसको उतार दीजिए, ये नहीं झूलेगी। तू ओका से टिकट ले, तू दोसर पर झूल ले, ऊपर नहीं झूल। नहीं 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 नहीं। तो मुझे ये लोग ना जबरदस्ती लेके गए थे, बोले थे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और मैं भी हिम्मत करके चढ़ गई थी इस मेरीगो राउंड पे, लेकिन जो मेरा हालत ख़राब हुआ ना, वो मैं क्या बताऊँ आपको। मेरा तो मतलब मैं रोने लगी थी एंड टाइम पे। और जब मैं चढ़ रही थी उसी टाइम पे मैंने बोला था कि भैया मुझे बहुत डर लगता है, जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही झूला रोक देना। और ऐसे फर्स्ट राउंड ले ही रहा था कि मुझे लगा कि मुझे उल्टी आ जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, घबराहट। तो मैं उतर गई और जैसे ही मैं उतरी कि यू भी बोली कि मुझे भी उतरना है, तो हम दोनों ही उतर गए। और ये देख सकते हो मम्मी, मेरा भाई, भाभी, सभी लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। सच में इतनी हाइट थी इस झूले की ना, कि मैं नीचे जैसे ही देखी ना, मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहा है और पता नहीं बहुत सा जी घबराने लगा था मुझे, तो मुझे बहुत डर लगता है। और आप देख सकते हो कितना सारा झूला सब है यहाँ पर, और बहुत ही अलग अलग तरीके का है, बहुत ही खतरनाक खतरनाक सब है। तो मुझे देखना है कि मैं किसी पे चढ़ पाती हूँ कि नहीं। फिलहाल इन लोगों को इंजॉय करने देते हैं। और तो हम लोग ना बहुत ही जल्दी आ गए थे यहाँ पे, जिससे कि बिल्कुल रश ना रहे, इस वजह से, क्योंकि रश रहता है ना तो बहुत मन इरिटेट होने लगता है। तो आराम आराम से जो है ये लोग झूल रहे हैं, और तब तक मैं हियू को लेके जाती हूँ किसी और राइड पे, बच्चों वाले पे, उसको राइड करवाती हूँ। के लिए भी ना बहुत सारा झूला है, जैसे कार वाला हो गया, बाइक वाला हो गया, ट्रैम्पलिन हो गया, मिकी माउस वाला हो गया, तो बहुत सारा ऑप्शन है। हियू को लेके चलते हैं और उसको दिख। तो ये झूला मेरे को बहुत ही सही लग रहा है, ट्रैम्पोलिन, मिकी माउस ट्रैम्पोलिन। और इस पे क्या है कि स्लाइड भी है और ऊपर आप चढ़ भी सकते हो, बहुत ही सही है। और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कितने मस्त से इंजॉय कर रहे हैं। और इसका चार्ज भी मेरे को बहुत ही सही लगा है, 100 रुपीज़ में 20 मिनट तक आप इसको इंजॉय कर सकते हो, तो बहुत सही है। और इससे पहले जिस पर हम लोग चढ़े थे मेरी गो राउंड पर, उसका चार्ज जो है पर पर्सन 80 रुपीज़ है, जिसमें कि मेरा और का जो पैसा है बर्बाद हो गया। तो देखते हैं मम्मी लोगों को झूलने देता है कि नहीं, एक्स्ट्रा टाइम देता है कि नहीं, तो वेट करते हैं तब तक मम्मी लोगों का। तुम बैठोगे तो उल्टी नहीं होगा, मैं इसका डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर के साथ आई हूँ झूला झूलने। नहीं नहीं, उनका नहीं डर हो छन मम्मी, वो ये सब राइड कर के छोड़ देने छथिन। जा हो गेलै,
ककरो क्यों हेतु एहन डरपोक कुमार। कौन डर रहा है? डराता है तो क्यों चढ़ता है इस पे बताइए तो? डराता है तो चढ़ना नहीं ना चाहिए। जा, हमारे पार्टी के लोग डरा रहा है। अरे तुम लोग पैसा बर्बाद कर दिया, जाओ वापस से। तुमको भी डर रहे हैं तो? कहाँ मम्मी गे लई है? अक्कर सबके ठीक से नहीं बनने रहे। अरे लगता है तुम लोगों का ठीक से नहीं बांधा था। नहीं, पैसा का बात नहीं है, बात है कि कैसे आप मत बोला कि तुम खतरों के खिलाड़ी हो बस। हाँ बताओ तो, इतना इजी झूला पे से उतर के आ गए। अरे मामी, हाँ मामी 200 रुपया बर्बाद कर दी। चलो चलो चलो, सबका मान बराबर है। देखो इसको 200 रुपया बर्बाद करने के बाद ना मजे से बबल सुना रही है। अपना राइड कंप्लीट नहीं किया और इसने भी जो है ना अपना, इन दोनों ने, मम्मी तो नहीं गई थी इस वाले राइड पे, बहुत ही डेंजरस था, हवा में छोड़ देता था, तो पैर नीचे, सर नीचे और पैर ऊपर हो जा रहा था। तो ये लोग भी नीचे आ गए, अनकम्फर्टेबल हो रहा था इन लोगों को, और 200 रुपया जो है हमारा बर्बाद हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट राइड पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर पैसा वसूल होता है या नहीं और ये लोग कर पाते हैं या नहीं। तो देख सकते हो आप, मम्मी और पारुल जो है यहाँ पे मजे से झूल रही है और इन लोगों को डर नहीं लग रहा है। मैं जस्ट अभी बैठी थी और मेरा डर से हालत खराब था, मैं तुरंत ही उतर गई। मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं किया कि मैं इस पे थोड़ी देर और भी बैठूं। और हीयू को भी बहुत डर लगने लगा है ना। लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दोबारा से ये लोग झूल रहे हैं। मेरा ना ये लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि जिस राइड पे मैं बैठ रही हूँ, दो मिनट के बाद मैं रोना शुरू कर दे रही हूँ। इस वाले राइड पे तो मैं बहुत रोई क्योंकि स्लो होते होते रुकता है ये, एकदम से नहीं रुकता है। और जब तक रुका नहीं तब तक मुझे लग रहा था कि मैं ना गिर जाऊँगी। मैं नीचे बैठ गई थी, ये जो बेंच है ना उसके नीचे, और खूब रो रही थी। तो मम्मी लोग ना बहुत हंस रही थी मुझे देख करके। मुझे बहुत डर लगता है यार, पता नहीं क्यों, और ये डर कब ख़त्म होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक भी राइड नहीं कर पाती हूँ। हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं डरूंगी नहीं, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है कि बस मुझे रोना आने लगता है। लोग कितना मज़े से इस मेरी गो राउंड पे जो है बैठ के झूल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी इस पे बैठ के। बट रौनक लगी हुई है पूरे मेले में और देख सकते हो आप लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं, कितना रस धीरे धीरे ना, जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे पूरा रस ना बढ़े जा रहा है। सबसे पहले हम लोग चढ़े थे इस वाले पे और इस पे भी मैंने जो है जस्ट चढ़ी, एक चक्कर लिया और मुझे चक्कर आने लगा, तो मैं इससे भी नीचे उतर गई। मुझे पता नहीं क्यों झूले से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो देखते हैं मैं कुछ झूल पाती हूँ या नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे झूलना। और मम्मी लोगों को ना बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, खूब ज़्यादा इंजॉय किए जा रही है।
पीयू, अब तुमको किस पे चढ़ना है? ट्रैम्पोलिन पे, साइकिल वाले पे। चलो ठीक है, तो दरभंगा में ना ये सब चीज हमेशा आते ही रहता है, यहाँ के लोग बहुत इंजॉय करते हैं मेला को। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी आए, और इस बार जो है वो दुबई थीम इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यू को लेके आ गई हूँ मैं ट्रैम्पोलिन पे, और यहाँ पे भी है 50 रुपीज़ में 10 मिनट तक आपको जो है जंप करने को मिलेगा ट्रैम्पोलिन पे, और तब तक मम्मी लोग भी आ जाएगी। फिर मम्मी लोग जो है थर्ड राइड पे देखते हैं अब कौन सा राइड लेती है, कौन से झूले पे जाती है, चलिए देखते हैं। और कितना अच्छा माहौल है ना मेले का, घर जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि 2-3 घंटे और यहीं पर रुके। मम्मी लोग भी आ गई है और अभी टिकट ले रही है नेक्स्ट राइड। तो नेक्स्ट राइड जो है इन लोगों का ये है ट्विन वन है, इसमें राउंड राउंड भी घूम रहा है और बोट जैसा, नाव जैसा ना आगे पीछे भी जा रहा है। तो इस बार मैंने बोल दिया कि अब मैं कोई राइड नहीं करूँगी, तुम लोग करो, क्योंकि बार बार जो इंसल्ट होता है यार कि जाओ और रोते हुए नीचे आओ, बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग फिर। तो इसलिए मैंने बोला तुम लोग इंजॉय करो, मेरे को नहीं करना, मैं बस देख रही हूँ। तो इन लोगों को राइड करने देते हैं और मैं जा रही हूँ ह्यू के पास, ह्यू को देखती हूँ कि ह्यू का ट्रैम्पोलिन का टाइम पूरा हुआ या नहीं, और उसको और भी कोई राइड करवाना है तो उसको राइड करवाती हूँ। और मेरी मम्मी को देखो कितना इंजॉय कर रही है इतने खतरनाक राइड को, पता नहीं इतना हिम्मत कहाँ से आता है। तो यहाँ पे भाभी मेरी सॉग्ड है मम्मी को देख के, तो यहाँ पे यही बोला जाएगा मम्मी रॉक्ड बहु सॉग्ड। खिलाड़ी सब उतर रहे मम्मी, बहुत तो यहाँ पे मैं अपनी भाभी के साथ बबल से खेल रही हूँ, ऐसे इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेला इतना अच्छा लग रहा है ना कि घर जाने का मन नहीं कर रहा है, और उधर सारे लोग अपने अपने राइड को इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और आपको सारा ब्लॉग जो है जो वॉइस ओवर में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गाना वाना चल रहा था, तो कॉपी राइट की वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है सारे चीज़ों को, और सारे लोग आ गए हैं इंजॉय करके। अब घर जाने का टाइम आ गया है, तो होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा, और मम्मी को देख के आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि एज जो होता है ना बस एक नंबर होता है, आप हमेशा इंजॉय कर सकते हो, हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हो, एज कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों में से किस किस को झूला झूलना पसंद है इस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अब इंजॉय करते हैं थोड़ा अपने फैमिली के साथ, थोड़ा खाते पीते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ नया कुछ अच्छा लेकर के आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अच्छा लगता है तो, और गाइज अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट जरूर करना कि कैसा लग रहा है आपको मेरा ब्लॉग, आपने कितना एंजॉय किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो चलो चलो।